किया जाएगा, चूंकि बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है। तीन डिब्बे बेहद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त में हैं और माना जा रहा है कि इन डिब्बों में जो लोग मौजूद थे, एसी कोच ही थे, इन डिब्बों में जो लोग मौजूद थे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। 15 से 20 लोग घायल हुए हैं, दो लोगों की मौत की खबर है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आपकी अयोध्या की, और जब आप हाईवे पे पहुंचते हैं अयोध्या के लिए तो बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, और जहां यह हादसा हुआ है मानकपुर वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हादसा अगर कोई कारण नहीं मिल रहा है जिसमें पटरी भी ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, क्या इस हादसे में किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल किया गया, क्या ये साजिश थी किसी की, क्यों ये साजिश हुई, क्या इसके पीछे की वजह थी, अयोध्या से क्या इसका लिंक है, तो ये सारी चीजें अभी जांच का विषय है। लेकिन हाँ, अनुमान हम जरूर लगाते हैं कि अनुमान के मुताबिक ये हो सकता है कि अगर इस तरह की चीज नहीं हुई है तो ये जरूर हो सकता है। तो इस तरह के अनुमान देखिए बालासोर में भी लगाए गए, उसमें भी हमने कई तरह की साजिशें हमने देखी, लेकिन जो सामने आया, जो सब तस्वीर सामने आई, उसने भी स्पष्ट किया कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की वजह से जो है ये पूरा हादसा हुआ। लेकिन साफ तौर पे यहां पर जो हादसा लग रहा है वो साफ तौर पे जो मुझे लग रहा है, जितना मैंने रेलवे को कवर किया है उससे मुझे ये लगता है कि इसमें मेंटेनेंस की एक बड़ी समस्या रही जिसकी वजह से यहां रेल हादसा हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये वो समय है जब बारिश और बारिश के बाद जो तमाम तरह के चीजें होती हैं उसमें पटरी को का मेंटेनेंस जो है वो बढ़ जाता है। अगर आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हादसे का शिकार बन सकती है। इस तरह की बातें सामने आती रही हैं और यही वजह भी लग रही है, लेकिन अभी ये देखना होगा क्योंकि स्पष्ट तौर पर अभी अधिकारी ही बता पाएंगे जो वहां मौजूद होंगे। सही तौर पर हालांकि अधिकारी मौके पर पहुंचे या जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हादसे की वजह क्या रही है। वहीं घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया है क्योंकि नजदीकी अगर बात करें बेहतर इलाज के लिए तो गोरखपुर या फिर लखनऊ, और ऐसे में जिस तरीके से राहत और बचाव का काम जारी है सीएम ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया है, और साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। केंद्र सरकार की भी नजर इस पर है। खुद केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन जो कि गोंडा से सांसद है वो मौके पर पहुंच रहे हैं, तो तस्वीरें आपको एक एक दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक बाद एक कई जो डिब्बे वो डिरेल हुए, हालांकि जिस तरीके से झटके के साथ यात्री को कुछ समझ में नहीं आता, जब तक समझ में आता तब तक कई डिब्बे डिरेल, इसमें एसी कोच भी शामिल, स्लीपर और इसके अलावा जनरल कोच भी शामिल, तो 15 कोच में से 4 कोच पलटे, ये बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस और आरपीएफ की टीम मौजूद है, राहत बचाव का काम लगातार जारी, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। वजह क्या ये अभी तक साफ नहीं, बताया जा रहा है कि गोंडा से 27 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है। आप समझ सकते हैं जिस तरीके से हादसा हुआ, दोपहर का वक्त था, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, और जब तक लोग समझ पाते तब तक यह हादसा, तो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है क्योंकि बताया जा रहा है कि यह ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलती है। और हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ब्रजेश पाठक जी, जाहिर तौर पर एक चैलेंज बढ़ जाता है ऐसे हादसों को लेकर राज्य सरकार का और खासकर आपके विभाग का, स्वास्थ्य मंत्रालय आपके पास, ऐसे में जो घायल हुए हैं उन्हें तुरंत किस तरीके से चिकित्सा मुहैया कराई जाए। गोंडा में जो रेल दुर्घटना हुई है हमारी प्राथमिकता है, जो घायल है उनको ट्रेन की बोगी से निकाल करके तत्काल हम नजदीक के पास के अस्पताल ले जाएं। ऐसे सभी घायलों को निकाल करके हम अस्पताल भेज रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डिप्टी सीएमओ, अन्य चिकित्सकगण सभी एम्बुलेंसेज को लेकर के घटना स्थल पर मौजूद हैं। घायलों को निकाल करके हम लोग अस्पताल ले जा रहे हैं। अभी जो सूचना हमें प्राप्त हुई है 4 कैजुअलिटीज हुई हैं और घायलों की पूरी संख्या अभी थोड़ी देर में आपको हम बता पाएंगे, क्योंकि घायलों को निकाल करके अस्पताल ले जा करके अभी हमारे सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उन्हें हम तत्काल चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराएं। दूसरी ओर जो गंभीर रूप से जख्मी है, देखिए एक गोरखपुर जो कि नजदीकी बेहतर हॉस्पिटल और दूसरी ओर लखनऊ, तो ऐसे में क्या कुछ आपकी तरफ से निर्देशित बड़े अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग के? अभी हम लोगों ने यह तय किया है कि पहले सबसे पहले घायलों को निकाल करके सबसे पास में जो हॉस्पिटल है वहां ले जा करके उनका चिकित्सीय परीक्षण करा रहे हैं, और जैसी जैसी आवश्यकता होगी उस स्तरीय हॉस्पिटल में हम लेकर के जाएंगे, लेकिन सभी घायलों को तत्काल उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले इसके लिए सुनिश्चित इंतजाम किए जा रहे हैं।
और एक सवाल इसलिए कि देखिए, क्योंकि होता है कि कई बार गंभीर रूप से कई लोग जख्मी हो जाते हैं, तो और बेहतर व्यवस्था किस तरीके से बनी रहे, अफवाहों की स्थिति न रहे, लोगों को स्वास्थ्य